मैं कश्मीरी हूँ और मैं और मेरे परिवार 100 साल पहले कश्मीर से माइग्रेट कर चुका था। हम लोग मध्य प्रदेश में कम से कम 50-100 साल से हैं। कई पीढ़ियों से मध्य प्रदेश में परिवार ने काफ़ी ख्याति प्राप्त की है, मगर कश्मीरियत हमने कभी खोई नहीं और भूली नहीं। मुझे आज भी स्मरण है, 93-94 की बात है, तब मेरे ससुर साहब कर्नल अजय मुश्रान, वो भी कश्मीरी पंडित थे, और उनके और उनके पिताजी के बीच में वो 40 साल वो लोग करीब करीब मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में सीनियर मंत्री थे, 10-20 साल तो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो 94 की बात है जब आपके तमाम बच्चों को बाहर आके पढ़ने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि कश्मीर के कंडीशंस अच्छे नहीं थे। तो महाराष्ट्र के बाद अगर दूसरा स्टेट था जिसने कश्मीर के स्टूडेंट्स को अकोमोडेट किया था, रिजर्वेशन सीट्स के किए थे, वो मध्य प्रदेश था। उस वक्त भी मैं एक बड़ा वकील था, बाद में महाधिवक्ता था, और इन बच्चों का जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, बहुत सारे बच्चे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, कश्मीर में हैं, कश्मीर के बाहर हैं, विदेश में हैं, हम इनकी मदद भी किया करते थे। अक्सर हमारे पास आते थे, हाईकोर्ट से मैंने कई दफ़े इन लोगों को डायरेक्शन दिलवाए। इसी तरह आप, मुझे आज भी ख्याल है, उड़ी में जब भूकंप आया, आई थिंक 2005 की बात है शायद, मैं रोटरी क्लब की तरफ से खूब सारा मटेरियल लेके आया, उड़ी तक गया। मेरे साथ रोटरी क्लब के कम से कम 20 सदस्य गए थे, बड़े बड़े प्रोफेसर्स थे श्रीनगर के, और हमने आर्मी को हैंडओवर किया कि उन्होंने कहा, तनखा साहब आप पहाड़ के ऊपर तो नहीं चढ़ पाओगे, ये तो हमको पहाड़ के ऊपर बांटना पड़ेगा। मगर उन्होंने एक गुजारिश की हमसे कि नवंबर का महीना है, बहुत ठंड है, अगर शेल्टर्स नहीं बने जल्दी से तो ज़्यादा लोगों की फ्रॉस्ट बाइट से डेथ होगी, ना कि अर्थक्वेक से। अगले दिन पहुंच के मैंने ये बात सोनिया जी को जाके बताई, और उसके बाद मैं तो अपने काम में बिजी हो गया। नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट था, मैं अपनी तैयारी कर रहा था। शाम को मैंने टीवी में देखा, मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपने प्रधानमंत्री अनाउंस कर रहे हैं कि 48 घंटे में वहाँ शेल्टर्स बन जाएंगे। कोविड आया, मैं तो बहुत कम बातें बता रहा हूँ, किया तो बहुत ज़्यादा है। कोविड आया, मैं कोविड में पूरे देश के माइग्रेंट्स को मदद कर रहा था, बट स्पेशली कश्मीर के और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 600 आपके बच्चे भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में बच्चे फंसे थे। लड़कियां मुझे फ़ोन करती थी, मेल भेजती थी, रोती थी, क्योंकि घबरा गए थे, पूरा देश बंद था, उनकी कैंटीन्स बंद थी, उनके हॉस्टल्स बंद हो गए थे, बहुत प्रॉब्लम में थी। तो मैंने मध्य प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, मैंने कहा चलिए अपन को व्यवस्था करनी इनको वापस भिजवाने की। कश्मीर में गवर्नमेंट नहीं थी, और प्रॉब्लम कश्मीर की ये पिछले 8-10 साल की यही रही है, गवर्नर रूल रहा, प्रेसिडेंट रूल रहा, बट वो उसमें पॉपुलर गवर्नेंस नहीं होती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। तो मुझे आज भी ख्याल है कि जब मैंने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से बोला कि इनको वापस भिजाना है, उन्होंने कहा तनखा साहब हम पूरा फैसिलिट करेंगे, क्या हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए बस करा दें जैसा होता था। फैक्ट ये है कि कश्मीर में कोई गवर्नमेंट नहीं थी तो उनका बस नहीं करा सकते थे। तो मैंने शिवराज जी से बात करके उन 600 बच्चों के लिए बसेस कराई। उसके बाद मैंने उनको NOC चाहिए था, तो आपके यहाँ उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे सुब्रमण्यम साहब, फॉर्चुनेटली वो मध्य प्रदेश के थे और मेरे को जानते थे। मैंने सुब्रमण्यम साहब को फ़ोन करके बोला इन बच्चों के लिए NOC तो दे दो भाई, तब वो NOC मिला, उन 600 बच्चों को मैंने वापस भिजवाया। इसी तरह उस वक्त पासेस की ज़रूरत पड़ती थी, संजय सिंह के साथ में दिल्ली में मैंने हज़ारों पासेस कश्मीरियों के लिए उपलब्ध कराए, संजय सिंह जी पॉइंट्समैन थे उसमें। गहलोत साहब से मैंने बात की, 3,500 कश्मीरी फंसे हुए थे राजस्थान में, गहलोत साहब ने मेरे कहने से 48 घंटे में व्यवस्थाएं बना के सबको वापस भिजवाया। महाराष्ट्र में फंसे हुए थे, मैंने नाना पटोले जी से बात की उस वक्त, और ठाकरे जी के ऑफिस में बात की,
वहां से भी मैंने भिजवाया। बताने को मैं ये कहना चाहता हूं कि कश्मीर का दर्द मेरा प्राथमिकता होती थी, इसलिए क्योंकि मैं 100 साल पहले, चाहे हम यहाँ से चले गए होंगे, मैं कश्मीरियत हमें कभी नहीं गई, और इसीलिए मेरे को आज भी ख्याल है, मैं पहले दिन जब मैं खड़ा हुआ पार्लियामेंट में, तो मैंने सोनिया जी को थैंक किया। मैंने कहा, सोनिया जी, बीजेपी कश्मीरी पंडितों की बात करती है, एमपी तो आपने बनाया कश्मीरी पंडित को पार्लियामेंट में। तो कहते हैं ऑपोजिशन के लोग हंसते हुए बोलने लगे, तनका साहब आप इसलिए नहीं बने हो, आप कश्मीरी पंडित हो, आप बड़े वकील हो इसलिए बने हो। तो हमने कहा चलो ये भी हमने मान लिया, हम तो कश्मीरी पंडित। तो मेरा ये कहना है कि कश्मीर, कश्मीरियत और कश्मीर को अगर किसी ने सम्मान दिया है वो है कांग्रेस पार्टी, और ये सम्मान को बरकरार रखना है तो हमको कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक पैन इंडिया पार्टी है और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका एक अच्छा मधुर अलायंस है। कल मैं फारूक जी और उमर जी से भी मिला था, काफ़ी देर उनके घर में मैंने चर्चा की, और मुझे लगता है एक बहुत अच्छी प्रजातांत्रिक सरकार आएगी। आज यहाँ आने के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट के टीचर्स हैं बेचारे, वो मुझसे मिलने आए, उनका एक डेलीगेशन आया, कई दिनों से मेरे से बात कर रहे थे। आपके पास दो ढाई हज़ार कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेसर हैं जो कॉलेज में 15-20 साल से पढ़ाते हैं, उनको मात्र फिक्स सैलरी मिलती है 28,000, जबकि वो एमफिल, पीएचडी और क्या जेडीआर, क्या है जेआरएफ है, और जबकि यूजीसी का नियम है, यूजीसी का रूल है कि किसी को यूजीसी सैलरी से कम नहीं मिल सकता। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में आप टीचर्स को नहीं रख सकते, इसके बावजूद 10-15 साल से वो बेचारे परेशान हैं। मैंने उनको आश्वासन दिया, मैंने कहा आ जान दीजिए हमारी पार्टी को इलेक्शन में, पावर में, मैं आपका केस की पैरवी मैं करूंगा। और ये भी मैंने बोला, डोंट वरी, अगर पार्टी में आनाकानी की और देर की तो मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी पैरवी करके आपको रिलीफ दिलाऊंगा, क्योंकि ये आपका कॉज है, ये आपका जस्टिस है, ये आपके लिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि मैं कश्मीर के जनता के बीच में न्याय पाने आया हूं। आज न्याय क्या हो सकता है? एक गुड गवर्नेंस, एक अच्छी सरकार, एक प्रजातांत्रिक सरकार, एक अकाउंटेबल सरकार जो पब्लिक के बारे में सोचती है। और मैं स्पेशली जो 7 गारंटीज हैं कांग्रेस पार्टी की, वो दिल छूने वाली हैं। मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं। महिला सम्मान हमारा हक, विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने हर वक्त लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। अच्छी सेहत हमारा हक, आपको नहीं मालूम है मैं बड़े बड़े मेडिकल मिशंस करता हूँ ट्राइबल एरियाज में करता हूँ, 1-1 लाख मरीज आते हैं मेरे ट्राइबल मिशंस में, ये रोटरी के साथ करता हूँ, पूरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इसके बारे में जानता है, और पूरी सरकारें हमारी मदद करती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसी तरह कश्मीर में भी एक माहौल बने जिससे कोई मरीज अनअटेंडेड ना जाए, गरीब से गरीब मरीज अनअटेंडेड ना जाए, और यही कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव है। फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस का हक, ओबीसी का हक, वो राहुल जी का पेट थीम भी है, उनकी सोच भी है, और वो भारतवर्ष में उसका एक बड़ा भारी एक निश बना है। कश्मीरी पंडितों का हक, देखिए मदद तो एक पार्ट है, हक दूसरी पार्ट है, और मैंने खुद एज अ पार्लियामेंटेरियन मैंने प्राइवेट मेंबर्स बिल लेके आया हूँ कश्मीरी पंडितों के हक के लिए, जो एडमिट हो चुका है, जिस पर डिस्कशन होगा। फिर हमको आज भी याद है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस वक्त जो पैकेज बनाया था कश्मीरी पंडितों के लिए, उस पैकेज के बाद कोई बड़ा पैकेज उसके बाद कभी नहीं बनाया, ये मुझे व्यक्तिगत पता है। उस वक्त जो लोग आके रीसेटल हो पाए थे वही लगभग वही लोग हैं, नए कोई नहीं आ पाए। तो मैं चाहता हूँ इंटीग्रेशन हो, यूनिटी हो, एक सौहद्र का वातावरण बने, और ये कांग्रेस एनसीपी पार्टी कर पाएंगी। 1 लाख जॉब्स जो पोस्ट वेकेंट हैं वो कांग्रेस पार्टी भरने के लिए कटिबद्ध है। 1 लाख लोगों को सोचिए सरकारी जॉब मिलेगी, उनकी जिंदगी में कितना फर्क आ जाएगा। नेक्स्ट गारंटी है 4,400 स्कूल्स टू बी रीओपन्ड। अगर शिक्षा का अभाव होता है तो जनता, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे ग्रो करेंगे? आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे सिटीजन बनेंगे? संविधान की जो मंशा भी है कि 14 साल तक के बच्चों को तो फ्री शिक्षा होनी चाहिए,
तो मेरे को खुशी है कि ये भी हमारी पार्टी ने इसको भी एक गारंटी बनाई है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का भी कांग्रेस ने बात की है, राहुल जी ने बात की है। मैं तो चाहता हूं कि इन 7 गारंटीज को लेके जो राहुल जी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और तमाम अलायंस पार्टीज आपके सामने खड़ी हुई हैं, इनको एक मौका दीजिए। ये तो 8-10 साल का अंधेरा है, उससे निकालिए। स्टेटहुड आपका हक है, स्टेटहुड आपको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को बोला था जल्द से जल्द इनको स्टेटहुड दीजिए। ये किसी पहली बार हुआ है विश्व में कि एक स्टेट यूनियन टेरिटरी बनी है। यूनियन टेरिटरी स्टेट बनती थी, स्टेट यूनियन टेरिटरी बने, ये पहली बार हमने देखा था। तो कश्मीर के साथ अन्याय हुआ है, अनीति हुई है, हम चाहते हैं इस अन्याय अनीति को खत्म करें एक अकाउंटेबल सरकार के माध्यम से। आप कुछ पूछना चाहें? कोई सवाल आपको? देखिए, ये तो एक पार्टी का विषय है जिसके डिटेल मुझे नहीं मालूम, बट एज अ लॉयल पार्टी मैन मैं उनको अपील करूंगा कि कांग्रेस के कैंडिडेट के अगेंस्ट नहीं लड़ना चाहिए, उनको खुद ही विड्रॉ कर लेना चाहिए और कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे हम या हमारे अलायंस पार्टनर्स हो, क्योंकि ये वक्त डेमोक्रेसी को वापस लाने का है। ये बड़ी लड़ाई है प्रजातंत्र की, बड़ी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं हो सकती, और हम लोगों को व्यक्तिगत बातों को खत्म करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की तरफ देखना चाहिए। नहीं, देखिए दो चीजें होंगी। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि ये चुनाव से प्रजातंत्र की एक विफ हवा वापस आई है, पहली बार लोगों में एक डर खत्म हुआ है और सब बाहर निकले हैं। जो होता नहीं है, जब डर खत्म होता है तो सब शहर के बाहर निकल आते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। तो वही माहौल मेरे को कश्मीर में दिख रहा है इस वक्त, एक डर का वातावरण खत्म हुआ है, प्रजातंत्र का वातावरण आने वाला है, तो सब बाहर निकल आए हैं, सबको बहुत ख्वाहिशें हैं, अभिलाषा है, आशा है। मगर देखिए, हमको प्रजातंत्र को वापस लाना सबसे मुख्य बात है। अपनी आशाओं अभिलाषाओं को हम कल परसों तक पोस्टपोन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। हाउसबोट, ओके सर, जब फ्लड आया है, जो होटल एयर्स अराउंड डल है, उनको कंपनसेशन मिला है, उनको कंपनसेशन मिला, बट हाउसबोट एसोसिएशन हैज नॉट गॉट एनी कंपनसेशन बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट। दे वर गिवन इन 2 इयर्स कंपनसेशन होटल्स को मिला, लेकिन हाउसबोट वालों को कुछ भी नहीं मिला है। सो कैन इट बी अ पार्ट ऑफ योर मैनिफेस्टो इन व्हाटएवर यू सेड, यू टोल्ड मी, यू टोल्ड अस, can it be part of that to rehabilitate them or to give them a satisfactory reply? I'll be more than happy to help them. मैंने हाउसबोट वालों की मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया था, निर्मला जी को बोला था, उन हाउसबोट वालों की दशा देखिए, उन जो घोड़े जो के साथ चलते हैं बेचारे लोग, उनकी दशा देखिए, छोटे छोटे वेंडर्स की दशा देखिए। आई विल टेक अप दैट मैटर, आई विल ब्रिंग दिस मैटर टू द अटेंशन ऑफ राहुल जी एंड फारूक जी एंड द गवर्नमेंट दैट बिकम्स इन टू पावर, बिकॉज इनके साथ इनजस्टिस हुई है, दिस इनजस्टिस हैज टू बी रेमेडीड। There is no room for rumors. मैं खुद 1.5 घंटे फारूक जी के घर चाय पी के आया हूँ कल, और इतने अच्छे से अच्छे वातावरण में बातचीत हुई है, और हम लोग ने यही नीति बना रहे थे कि कैसे कांग्रेस और फारूक जी की पार्टी मिलके ये प्रजातंत्र की लड़ाई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की लड़ाई लड़े, किस तरह से हम लोग पावर गवर्नमेंट आए और किस तरह से प्रजातंत्र वापस आए, कश्मीर को स्टेटहुड मिले। आपने ओबीसी के बारे में बात की सर, ओबीसी में चौपान भी आते हैं, शेफर्ड्स, जिनका कुछ लेना देना नहीं है, उनको हमेशा नजरअंदाज किया गया है। एनी आइडिया रिगार्डिंग टू गिव देम सेटलमेंट और एसटी स्टेटस? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मेरे पास नहीं है।
बट मैं आपने अगर कोई मेरे को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो मैं राहुल जी से और सरकार से बात करके इस इनका क्या निराकरण हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग निकालेंगे। थैंक यू। Please have tea with us. Compliment.